Sitting in front of me here in Mirpur is Chaudhary Mehfooz, advocate, who over the past few years has been writing vigorously on matters of Jammu and Kashmir and their relationship with the rest of the world. And today I'm specifically going to ask him a couple of questions on what he perceives to be the British responsibility, the colonial legacy of British India and its various constituent or non-constituent parts, i.e. the princely states. Janab Mehfooz Sahab, bahut shukriya ki aapne hame waqt diya aur is aham mauzu par baat karne ki aapne wo ijazat di hame. To sawal maine aapse yehi puchna tha ki aapki nazar mein British government ki aaj 2019 mein kya zimmedari hai Jammu Kashmir ke jo uljha hua masla hai uske matlab. तनवीर साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया. आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल बहुत रिलेटेड है हमारे फ्यूचर्स के हवाले से. तो मैं अर्ज़ करूँ कि ब्रिटिश इंडिया आज़ाद हुआ है एक कानून के तहत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया. 5 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया. 18 को जी को 18 को ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन ने उसको मंजूर किया, उसको रॉयल असेंट मिली है जी. और 15 अगस्त को वो नाफज हुआ है ब्रिटिश इंडिया के ऊपर. सही. हमारी आज़ादी, हमारा फ्यूचर स्टेटस, इंडिया का फ्यूचर स्टेटस, पाकिस्तान का फ्यूचर स्टेटस उसमें डिफाइन. ठीक. हमारा फ्यूचर स्टेटस कानूनी आज़ादी है हिंद के इंडिपेंडेंस एक्ट 71B जो है उसमें डिफाइन. ठीक है. आपने लीगल रिस्पांसिबिलिटी की बात की है. बरतानवी कानून के मुताबिक 15 अगस्त के बाद एक ही रिस्पांसिबिलिटी रह गई थी ब्रिटिश हुकूमत की, वो ये थी कि उन्होंने अडाग पावर दी थी लॉर्ड माउंटबेटन को कि वो इसके ऊपर फुल फेयर इम्प्लीमेंटेशन कराए. ठीक है. हमारी रियासत की हद तक, पाकिस्तान और इंडिया की हद तक तो उसने अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन हमारी रियासत की हद तक बरतानिया कासर रहा है अपने हिडन इंटरेस्ट की वजह से, जहां उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की. ठीक. 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश सोवरेनिटी लैप्स होती है, रूलर के साथ ट्रीटी ख़त्म होते हैं. जब ट्रीटी लैप्स होते हैं तो महाराजा की सोवरेनिटी है, जो राइट ऑफ रूल है सो कॉल्ड जो था वो ख़त्म होता है और इंटाइटल अथॉरिटी आ जाती है लोगों के पास. ठीक है. बरतानिया की ये जिम्मेदारी थी कि ट्रांसफर ऑफ पावर ही तो मकसद था इस कानून आज़ादी का, कि वो ब्रिटिश ट्रांसफर ऑफ पावर फ्राम ब्रिटिश एंड महाराजा टू दी पीपल ऑफ. यस. लिहाजा उसने अपने मफादात के तहत एक नया प्लान बना के इंडिया पाकिस्तान को उसके ऊपर शामिल करके अपने ही बनाए हुए कानून को डस्टबिन में फेंका. ठीक है. और इमेंस रिसोर्सेज ऑफ इंडिया और इंडियन ओशियन जो उसको देखा और उसने हमारी जो आज़ादी है जो 15 अगस्त को हमें मिली थी उसको उसने इग्नोर किया. सही. आज भी वो कानून एग्जिस्ट करता है क्योंकि 15 अगस्त के बाद इसमें कोई भी एडमेंडमेंट करने वाली अथॉरिटी मौजूद नहीं है जी. अंग्रेज़ को भी ये अथॉरिटी हासिल नहीं है कि 15 अगस्त के बाद उस कानून में अमेंडमेंट करें जी. लिहाजा उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टू द पीपल ऑफ कश्मीर. सही है. तो इस चीज़ को हम आज 2019 में या आगे चल कर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या ऐसा प्लान ऑफ एक्शन माकूल होगा जो ब्रिटानिया को पाबंद कर सके? आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने बैठ जाएं और को कहें कि आप अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लाइबिलिटी है आपके ऊपर, आपके कानून के मुताबिक वो पूरी करें और ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल आपका कश्मीर को यकीनी बनाए. सही. और बरतानिया रिस्पॉन्सिबल है और बरतानिया इंटाइटेड है कि वो नहीं कर अपना फॉर्मल कंप्लेन भी यूनाइटेड नेशन में लेके जा सकता है और उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ऑर्डर लेके
तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर का मामला है, ये लोगों को मुंतकिल करा सकता है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बरतानिया की। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ आपकी दुरुस्त है फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू भी, कि जो हक हुक्मरानी है इट मस्ट हैव बीन और शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द पीपल। अब ये है कि जो ब्रिटेन का जो फॉर्मल जो तरीक़ाकार हम देखते आए हैं पिछले 72 साल से, वो यही है कि उसने इंडिया और पाकिस्तान को प्राइमरी पार्टीज़ तस्लीम किया हुआ है अमली तौर पर, और उन्हीं के ऊपर वो ज़ोर देता है कि वो आपस में बैठकर कोई ऐसा हल करें, ठीक है, और वो हमारे लोगों की हक हुक्मरानी को अमली तौर पर तस्लीम ही नहीं कर रहा है। और इसकी मैं एक वाज़े मिसाल आपको दे सकता हूँ कि कुछ दिन पहले जो अपोजिशन लीडर हैं, लेबर पार्टी के जो लीडर हैं जर्मी कॉर्बिन साहब, जिनकी पार्टी ने 5 जुलाई 1947 को ये पार्लियामेंट में ये एक्ट पास करवाया, तो वो कहते हैं जी कि यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो है इसको हल कराया जाए, तो यानी कि वो अपने सर से हटाकर, ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट से हटाकर वो हमें यूएन रेजोल्यूशंस के कोर्ट में डाल रहे हैं जिसमें मैं और आप फरीक ही नहीं है। मैं ये अर्ज करूं, स्टिल ब्रिटिश वहीं खड़ा है जी, स्टिल दोनों डोमिनियन जो हैं आज इंडिया और पाकिस्तान उसकी जो ब्रिटिश गिवन पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे हैं। सही, स्टिल वही उनका रेजोल्यूशन की रिट है जिसमें उन्होंने हमें बंद करके बिहाइंड द लॉ उसमें रखा हुआ है, जो ट्रैवल करता करता शिमले मादे तक पहुंच गया है और आज यहाँ तक आ गया है, ये है उनका ट्रैप। सही, जिसके अंदर उन्होंने हमें बंद करके रखा हुआ है, लिहाजा वो अपनी गलतियों को, जिसकी वजह से बर्रे शगीर और कश्मीर में लाखों बंदे मर गए हैं और जो एक्ट हुए हैं एक्सटर्नल पावर के वो विदाउट लीगल अथॉरिटी हुए हैं और किसी कानून ने उनको ऐसा करने की इजाज़त नहीं और वो क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं, वो एज ए एक्यूज्ड अपने आप को मानने से घबरा रहे हैं। ठीक, ज़बरदस्त। आखिरी मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में हमने जितनी तहकीक की है पिछले 14 साल में, हमें बहुत सारे मुख्तलिफ बयानिए नज़र आए हैं जो तारीखी तौर पर भी मुख्तलिफ हैं, जो रीजनली भी मुख्तलिफ हैं, वो मुख्तलिफ मजहबी कम्यूनिटीज़ के हवाले से भी मुख्तलिफ हैं, ठीक है, और शायद आप उसको ट्राइबलिज़म और इवन सेक्टेरियनिज़म के नज़र से भी मुख्तलिफ बयानियाँ आपको नज़र आएँगे, वो नीचे लखनपुर से लेकर ऊपर सुस्त के बॉर्डर तक और गिजर के ज़िले से लेकर लह के ज़िले तक, तो ये जो मुख्तलिफ बयानियाँ हैं, क्या जो ब्रिटिश के ऊपर हमने जो प्रेशर डालनी है और जो आपने दुरुस्त मेरे अंदाज़े में भी दुरुस्त फरमाया कि हमारी ज़ोर उनके ऊपर होना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करें, तो साथ साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम देख रहे हैं एक इंटरनल पोलिटिकल प्रोसेस की शक्ल में, जहाँ पे हमने मुख्तलिफ बयानियों को ब्रिज करके एक कॉन्सेंसस की तरफ आना है और जो चीज़ हमें तकवीत देगी इसके ऊपर आपकी क्या तकरीर। इस के ऊपर पहुँचने के लिए हमें मामलात को समझना होगा। सही, ये जितने भी मुख्तलिफ हमारे बयानिए हैं ये उस ट्रैप का हिस्सा है। ठीक है, हमारा एक ही बयानिया था जो 4 अक्टूबर वाले अलामिये में था, फ्री कश्मीर जी। उस फ्री कश्मीर के बयानिए को इन्होंने बेशुमार बयानियों में तकसीम कर दिया है और हमारे मसले को एक कौमी आज़ादी के मसले से हटा के इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डिस्प्यूट बना दिया है। दुरुस्त, और मैं ये एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, रियासत का डिस्प्यूट अलाक नहीं था जी। 15 अगस्त के बाद रियासत के अंदर ये डिस्प्यूट पैदा हुआ कि 15 अगस्त के बाद राइट ऑफ रूल महाराजे का है या लोगों का है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट क्या था? राइट ऑफ रूल। सही, इसको उन्होंने कन्वर्ट करके इंडिया और पाकिस्तान का मसला बनाया और इसको मसला टेरिटोरियल बना दिया। सही, और टेरिटोरियल बना के उन्होंने दुनिया को एक्सक्लूड करके एक तरफ रख के अपने मफादात की जंग लड़ी है। सही, और एक और मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये कहते हैं यूनाइटेड नेशन की करार देते हैं, यूनाइटेड नेशन की करार देते हैं, भाई नहीं, तुमको समझ ही नहीं है। सही, यूनाइटेड नेशन
अगर आप मसला कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान का टेरिटोरियल डिस्प्यूट बनाएंगे तो यूनाइटेड नेशन लोगों मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करती है। सही है, सही। टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में यूनाइटेड नेशन का ये एटीट्यूड होता है भाई मसला अपना बातचीत के जरिए हल कर। सही, दुरुस्त। हमारा सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट लीगल है। ठीक है कि 15 अगस्त के बाद जो भी क्लेम करता था वो ख़त्म हो गया है, अब वो लीगल अथॉरिटी हमारे पास आ गई है। सही। डिस्प्यूट महाराजा के और हमारे दरमियान था कि वो लीगल है या हम लीगल हैं, और ये जानना चाहिए था यूनाइटेड नेशन के थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहाँ ये तय होना था कि महाराजे का लीगल राइट है या लोगों का है। ठीक। और जिसका लीगल राइट है उसको ओपरा पावर ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक। लिहाजा हमारे डिस्प्यूट को उन्होंने जो राइट ऑफ रूल का था वो इंडिया और पाकिस्तान के अलाक का बना के और हमें जो है और इस जहानियत पे बचा दिया है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी महफूज एडवोकेट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपके तबसरे का। थैंक यू वेरी मच।